वेलकम टू लर्न इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल जो है ना, जैसे हम अपनी सारी बुक्स देखें उठा के, कोई भी हर बुक के शुरू में हमें एक प्रीफेस मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी बुक हो, बायो हो, कोई भी, सब हर बुक के शुरू में हमें पहले पेज पे प्रीफेस मिलेगा। तो प्रीफेस होता क्या है? वो प्रीफेस एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, वर्ड्स होते हैं जो कलेक्ट कर दिए गए हैं एक पैराग्राफ में। ठीक है, वो सिर्फ एक बुक का इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। इसी तरह से जैसे कि वो प्रीफेस किसी बुक का, मान लीजिए पॉलिटी की बुक का प्रीफेस आपको पॉलिटी की बुक का इंट्रोडक्शन देगा, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग इसका क्या निकल के आता है? प्रिलिमिनरी और द प्रिपरेटरी स्टेटमेंट और एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ बताई मैंने कि प्रिपरेटरी स्टेटमेंट जो किसी भी बुक का आपको इंट्रोडक्शन दे, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन देता है वो कौन देता है? प्रियम्बल देता है हमें इंट्रोडक्शन के, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो लिटरली क्या बोलते हैं इसको, प्रियम्बल को? द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिटरली इस मीन्स द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट होल्ड्स द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस पूरे प्रियम्बल में हमें क्या मिलता है? एसेंस, सार, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार इसमें मिल जाता है। समरी हमें इसमें मिल जाती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, पूरी की पूरी समरी हमें एक छोटे से प्रियम्बल में मिल जाती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है। और मैं अभी हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, ठीक है, उसमें क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी तो वहाँ पे जो शपथ ली गई थी, रेजोल्यूशन लिया गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना रहे हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही क्या है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चल के आपका प्रियम्बल बना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो पावर्स कहाँ से मिलती है उसको? हमारे प्रियम्बल की पहली लाइन, हमारा प्रियम्बल की पहली लाइन क्या कहती है? हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मैंने प्रियम्बल लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये प्रियम्बल क्या शो करता है हमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वी दी पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोगों से। क्यों मिल रही है हम भारत के लोगों से पावर? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए थे, ध्यान रखना, इलेक्ट किए थे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो वो हमारे इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिलती है वो प्रियम्बल की पहले स्टेटमेंट यानी वी दी पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया से पावर मिलती है। हम भारत के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देते हैं। ठीक, चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रियम्बल, कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि हम इसको, प्रियम्बल को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इन द प्रियम्बल कैन बी ऑल्टर्ड आर्टिकल 368 विदाउट चेंजिंग द बेसिक फीचर। जैसे हमारे पास अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल है ना, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ही कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें पूरा अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रियम्बल में भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस। ठीक है, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं हम, लेकिन लेकिन हम उसमें किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बेसिक फीचर चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, बेसिक फीचर। ये बेसिक फीचर आपको बार बार सुनने को मिलेगा, बेसिक फीचर केशवानंद भारती। इस पूरे को, बेसिक फीचर को, मैं आगे इस चैप्टर के एंड में जहाँ पे अमेंडमेंट दिया हुआ है मैं वहाँ पे इसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में बस प्रियम्बल में बस एक ही बार चेंज किया गया है, वो चेंज किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था, उससे हमारे तीन वर्ड ऐड किए गए थे। कौन कौन से वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे। ध्यान रखना, केवल एक ही बार अभी तक प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है और उससे ये तीन वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने अभी बताया केशवानंद भारती केस जो था 1973 का, उसको केशवानंद भारती केस क्या कहता है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ द
प्रियम्बल, प्रियम्बल किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहली चीज है क्या क्या है उसमें, सबसे पहला पार्ट है इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब, अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पावर कहाँ से मिल रही है प्रियम्बल को, ठीक है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम दी पीपुल, ठीक। बहुत आसान है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम दी पीपुल, पीपुल से उसको पावर मिली है। दूसरा है आपका नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी इंडियन स्टेट मतलब भारत देश का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो कैसा होगा, सबसे पहली बात सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरिन मतलब संप्रभु, ठीक है, किसी का उस पर कंट्रोल नहीं होगा। सोशलिस्ट एक समाजवादी राज्य होगा हमारा, जो आगे हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट को डिटेल में, ये सारे टर्म जितने भी इसमें आ रहे हैं हम आगे डिटेल में इन सबको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सोशलिस्ट समाजवाद, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सोशलिस्ट समाजवाद। सेकुलर मतलब हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, सभी धर्म को यहाँ पे बराबर इज्जत दी जाएगी, बराबर प्रेफरेंस दिया जाएगा, कोई धर्म ऊपर नहीं होगा और कोई धर्म नीचे नहीं होगा। डेमोक्रेटिक मतलब जनता के द्वारा सरकार होगी यहाँ पे, ठीक। रिपब्लिक, जहाँ पे रिपब्लिक किसे कहते हैं, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज फिक्स्ड, ठीक है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, वेयर देयर इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जहाँ पे भी हमारे देश का राजा फिक्स पीरियड के लिए चुना जाता है उसे हम कहते हैं रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, वो भी हमारे प्रियम्बल में दिए हुए हैं। टू प्रोवाइड जस्टिस, जस्टिस न्याय देने के लिए, इक्वालिटी बराबरी देने के लिए, लिबर्टी फ्रीडम देने के लिए, फॉर फ्रेटर्निटी भाईचारा बढ़ाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे चलते हैं हम, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम पूरा प्रियम्बल एक बार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत के लोग एक भारत देश को बनाने के लिए रिजोल्यूशन लेते हैं। किस तरह का बनाएंगे, सोवरेन यानी कि संप्रभु जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, सोशलिस्ट समाजवादी बनाएंगे, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इन सभी वर्ड्स के मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता चुका हूँ, डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है, सभी सिटीजन्स को क्या देने के लिए, सभी सिटीजन्स के किन राइट्स के लिए, जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। कि जस्टिस भी हमारे कितने तरह के दिए हुए हैं प्रियम्बल में, पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रियम्बल में जस्टिस कितने तरह के दिए हुए हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों तरह के जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट लिबर्टी ऑफ थॉट्स, और क्या देंगे हमें, फ्रीडम भी प्रोवाइड कराई जाएगी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। किस लिए ये सब चीज़ किस लिए दी जा रही है, टू प्रोवाइड द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें स्टेटस की इक्वालिटी मतलब कोई भी राजा महाराजा नहीं रहेगा, सबको जैसे टाइटल लगा लेते हैं हम, ठीक है, राजा या फिर महाराजा, ठीक है, कोई भी टाइटल हम नहीं लगा सकते। एंड टू प्रमोट देम ऑल फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी, एश्योरिंग मतलब भरोसा दिलाता है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1945 डू हियर बाई एडॉप्ट, ठीक है, यानी कि हम गोद लेते हैं, इनेक्ट, ठीक है, इनेक्ट मतलब लागू करना, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया, एडॉप्ट, हमने गोद लिया, किससे गोद लिया था हमने, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, किसने गोद लिया, हम लोगों ने, क्यों हम लोगों ने क्यों गोद लिया, क्योंकि चलाना ही हम लोगों को है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडॉप्ट, इनेक्ट लागू, अभी से लागू भी तो हम ये लोग करवाएंगे, है ना, तो इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, और खुद को ही लागू कराने के लिए हमने दे दिया कि भैया अभी से तो हम लागू करा रहे हैं, है ना, इसलिए हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को दे दिया, ठीक है। अब जितने भी कीवर्ड्स हमारे प्रियम्बल में हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका एक मैंने छोटा सा माइंड मैप बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे क्या हैं कीवर्ड्स हैं, इन सबको हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला है सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट, संप्रभु, ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिया के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है,
ना तो इंडिया के ऊपर किसी और देश का कंट्रोल है, ना इंडिया के ऊपर किसी राजा का कंट्रोल है, ना ही अपने देश के राजा का, ना बाहर के देश के राजा का, किसी का कंट्रोल इंडिया के ऊपर नहीं है। इंडिया इज द इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब कंट्री, नो वन कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर इट। इंडिया के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जो इंडिया के ऊपर अपने कंट्रोल स्थापित कर सके। इंडिया इज नीदर डिपेंडेंस और डोमिनियन, ठीक है, जब तक एक तो इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, और डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि सरकार तो हमारी लगेगी लेकिन लेकिन जो कंट्रोल रहेगा ना वो किसी थर्ड पर्सन का रहेगा, सरकार हमारी और कंट्रोल किसी और का, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड किया गया था वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये अभी हम पीछे देख के चले, 42nd, इसी बार बार आएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, CA, CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंडिया फॉलोज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशलिज्म भी हमारा कई तरह का होता है, ठीक है, यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को भी, ये प्राइवेट सेक्टर को भी उतना प्रेफरेंस देगा जितना गवर्नमेंट सेक्टर को, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो वही जो इकोनॉमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। चलिए, सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब होता है आपका देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत देश का, या भारत देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है ना, भारत देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। और ये सेकुलरिज्म हमें कहाँ देखने को मिलती है, आर्टिकल 25 से 28, 25 से लेके 28 के बीच में हमें देखने को मिलती है सेकुलरिज्म, ठीक है। नो नेशनल रिलीजन फॉर दी कंट्री, कोई भी भारत देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं रहेगा और सभी रिलीजन्स को जो है बराबर स्टेटस प्रोवाइड कराया जाएगा, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल रिलीजन्स हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम दी स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री इंडिया। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक, ठीक, इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी का, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो जो हम लोग होते हैं, हम लोग इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जिससे कि वो गवर्नमेंट चला सके। हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं जिससे कि वो गवर्नमेंट चलाएं, हमारे काम वो लोग करें, हम लोग उनको इलेक्ट करके वोट देके उन्हें वहाँ बैठा देंगे और वो लोग क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है इसमें, इन दिस डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन होता है, पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट, मतलब ये लोग पॉलिसी बना रहे हैं, लेजिस्लेचर जो है वो पॉलिसी बना रही है और एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिसी लागू कर रही है या करवा रही है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव होंगे इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, कौन सी, ये किसकी बात कर रहा है, इन दिस डेमोक्रेसी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो क्या करेंगे, वो लेजिस्लेटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, एक शादी का, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स कौन होते हैं, किसी की शादी हो रही है घर में, तो जो मम्मी पापा होंगे, ठीक है, चाचा ताऊ होंगे, ठीक, ये लोग कौन होंगे, ये पॉलिसी मेकर्स होंगे कि शादी में क्या क्या चीज़ें होनी है, पॉलिसी मेकर्स, यानी कि ये लेजिस्लेचर का काम करते हैं पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेचर का काम करते हैं, उन्होंने पॉलिसी बना के दे दी कि आप लोग जो है शादी में ये काम करेंगे, और बच्चों में सब में बांट दी कि भाई तू ये काम करेगा, तू पानी का काम करेगा, तू सब्जी लाने का काम करेगा, तू हलवाई के पास बैठेगा, ठीक है, तू रिश्तेदारों में कार्ड बांटेगा, ठीक। तो ये सारे काम क्या है, ये सब एग्जीक्यूटिव से, मतलब उन्होंने पॉलिसी पूरी सबने बनाई एक साथ मिलके कि तू सामान लाएगा, तू ये कर, इसको सामान के लिए, इसको सामान के लिए कहना है, इसको कार्ड बांटने के लिए कहना है, इसको टेंट का अरेंजमेंट देखना है, तो उन्होंने पॉलिसी पूरी बना ली, उसको फिर एक साथ लाके किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव यानी कि हम लोगों को, बच्चों को लाके दे दिया कि आप जो है इसको लागू कराओ, आप कार्ड बांट दो, आप हलवाई के पास बैठ जाना, ठीक है। तो ये क्या किया, इन्होंने पॉलिसी लाके दे दी। अब हम लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम अपना काम करके, भाई मैं हूँ, मुझे कहा गया कि भाई तुम कार्ड बांटोगे जाके, ठीक है, मैं गया, मैंने कार्ड बांटे, कार्ड बांटने के बाद में अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन पॉलिसी मेकर्स को, यानी मम्मी पापा को आके ये बताऊं कि
कि भाई मैं कार्ड बांट ही आया हूँ तो रेस्पॉन्सिबिल कौन है? एग्जीक्यूटिव. मैं एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिल किसके लिए हो गया? मम्मी पापा के लिए, यानी लेजिस्लेचर के लिए. इसी तरह से एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लेजिस्लेचर के लिए. पॉलिसी जो बना के दी गई हैं वो लागू कराना एग्जीक्यूटिव का काम होता है. तो एग्जीक्यूटिव सही से उसे लागू कराए, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है. और वो किसको बताएंगे? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? लेजिस्लेचर के लिए. हाँ, हमने ये पॉलिसी लागू करा दी, या फिर लागू नहीं करा पाए, किस वजह से लागू नहीं करा पाए वो भी बताएंगे. जैसे मम्मी पापा ने कहा कि भैया हलवाई के पास आपको बैठना है और ये काम आपको करवाना है. अब किसी वजह से कोई वो काम जो है वो नहीं हो पा रहा, तो आप उसका रीजन जाकर मम्मी पापा को बताएंगे कि भाई आपने ये कहा था काम कराने के लिए, वो इस वजह से नहीं हो पाया. मान लीजिए पनीर लाने के लिए कहा और बाई चांस लॉकडाउन हो गया और पनीर नहीं आ पाया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के? आपके तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वोटिंग. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग आप करते हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी के ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, ना एग्जीक्यूटिव का ना लेजिस्लेटिव का. ठीक, रूल ऑफ लॉ, यानी कि सब लोग इक्वल होंगे. रूल ऑफ लॉ मतलब होता है सब लोग इक्वल होंगे कानून के सामने. और उसके बाद है टाइमली इलेक्शन, कि एक फिक्स टाइम हो जाता है इलेक्शन के लिए, चाहे 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जो टाइम एक बार फिक्स कर दिया गया, ठीक है, वो टाइम फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई इतने टाइम बाद इलेक्शन होगा ही होगा, जब तक कि लोकसभा भंग नहीं हो रही. मान लीजिए 5 साल के लिए फिक्स है लोकसभा, या फिर विधानसभा 5 साल के लिए फिक्स है. लेकिन बाई चांस अगर किसी वजह से लोकसभा या विधानसभा 5 साल से पहले भंग हो जाती है, तो आपका टाइम से पहले इलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो हमारे यहाँ फिक्स है कि 5 साल में इलेक्शन, 5 साल में ही इलेक्शन होगा. चलिए नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, रिपब्लिक. इलेक्टेड हेड ऑफ द नेशन. हमारा जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा. हमारा जो हेड है, ठीक है, कौन है? प्रेसिडेंट हेड है हमारे यहाँ. ठीक, तो वो क्या है? वो इलेक्टेड हेड है. इलेक्ट ही तो करते हैं हम लोग, भले डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन से हम उनको इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन है तो इलेक्टेड ही. हमारे द्वारा तो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उनको इलेक्ट कर रहे हैं. ठीक, दूसरा है पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज वेस्टेड ऑन द पीपुल. ठीक है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी किस में वेस्टेड है? पीपुल में. ठीक है, पॉलिटिकली सोवरेन है, जिसको चाहे उसको वोट करे वो. ठीक है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको इसको ही वोट करना है. फिक्स नहीं है कि आपको कांग्रेस को ही वोट करना है, मतलब आप कांग्रेस को ही वोट करेंगे. आपको आपको बीएसपी को वोट करना है तो आप बीएसपी को ही वोट करेंगे. फिक्स नहीं है, पॉलिटिकली सोवरेन है. हम लोग किसी को भी वोट कर सकते हैं. मैं चाहूँ नोटा को वोट करूँ, मैं चाहूँ बीएसपी को, बीजेपी को, किसी को वोट करूँ, मेरा मन है. ठीक है, तो आप पॉलिटिकली सोवरेन है. हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट. हमारे जो हेड होता है स्टेट का वो होता है प्रेसिडेंट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. जस्टिस. हमारे इसमें प्रियम्बल में दिया हुआ है 3 टाइप का जस्टिस दिया हुआ है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? समाजवाद. हम समाजवाद जस्टिस जो प्रोवाइड कराएंगे, सोशली प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें किसी भी तरह का किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, है ना, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, अमीरी गरीबी के, आपके इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर हो, किसी भी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. यही आपका सोशल जस्टिस है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिक्स. मतलब आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, ठीक है, या फिर मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपको इक्वल एक्सेस है पॉलिटिक्स के लिए. आप जब चाहे जहाँ चाहें वहाँ जाके वोट दे सकते हैं. ठीक है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देंगे, जब चाहे तब वोट दे सकते हैं. जब इलेक्शन हो रहा है आपको कोई नहीं रोकेगा. किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी धर्म के हैं, मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, आपको एक वोट देने का अधिकार है. ठीक, ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस. दूसरी बात, दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस में क्या चीज़ आती है कि आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आपको क्या है, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कोई भी हो आप. ठीक है, तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं. ये आप ये लाइन सिग्निफाइज करती है इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिक्स, यानी कि हम पॉलिटिक्स में भी इक्वली हिस्सा ले सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मतलब सबको इकोनॉमिकली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. हम किसी को नहीं रोकेंगे, मतलब भारत का संविधान जो है किसी को नहीं रोकेगा. इसी वजह से जो कराया गया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. आप मेल और फीमेल हैं,
ऐसा नहीं कर सकते कि फीमेल अगर सेम काम कर रही है और मेल अगर सेम काम कर रहा है तो दोनों को अलग अलग सैलरी दी जाए, दोनों को बराबर सैलरी दी जाएगी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबको बराबर सैलरी दी जाएगी अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट आता है आपका लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या है? फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम आपको कहाँ से मिलती है? सारी फ्रीडम जो मिल रही है आपको फंडामेंटल राइट से मिल रही है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट से आपको फ्रीडम मिल रही है। ठीक, तो कौन कौन सी फ्रीडम है? आपके विचारों की फ्रीडम, थॉट्स, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की फ्रीडम आपको मिलती है। आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे लिख के एक्सप्रेस करें, चाहे बोल के एक्सप्रेस करें, आप फ्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बिलीफ। आपके अपने अंदर कोई भी धारणा ला सकते हैं, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। ठीक है, आप फ्री हैं, कोई भी धारणा आप अपने अंदर ला सकते हैं। आप फेथ, जिसमें आस्था रखना चाहें उसमें आस्था आप रख सकते हैं, और जिसकी पूजा करना चाहें उसकी पूजा आप कर सकते हैं। ये सारी जो फ्रीडम मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट आता है आपका इक्वेलिटी। इक्वेलिटी क्या है? मतलब समानता का अधिकार। ये भी हमें फ्रीडम प्रियम्बल में देखने को मिलता है, समानता का अधिकार, और उसके बाद में हम फंडामेंटल राइट्स में हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 14 से 18 तक, और आर्टिकल 325 से 325 और 326 में। ठीक है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है। 325 में है आपका इलेक्शन इक्वेलिटी फॉर द पीपल टू वोट, यानी आप किसी भी कास्ट के, धर्म के, जो मैंने अभी ऊपर बताया, किसी भी कास्ट के हों, धर्म के हों, है ना, और अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा वोट डालने के लिए। आप जो भी हैं, आपको वोट डालने का पूरा अधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बस एक चीज़ से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, मिनिमम आपकी 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, बस इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इससे ज़्यादा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरा है आपका आर्टिकल 326, इलेक्शन इक्वेलिटी फॉर द पीपल टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब सेम चीज़ें लेके आते हैं हम, किसी भी कास्ट के, धर्म के, और जेंडर कोई भी हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो, ठीक, आप इक्वली कंटेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है, लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक, ये क्या करता है? भाईचारा, लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाया है कि लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे। ठीक है, ये क्या करता है? ये इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसकी इज्जत को बचा के रखता है। आप इज्जत कैसे बची? आपके पास राइट्स इतने सारे दे दिए गए हैं, अगर कोई आपको कुछ भी कहता है तो आप सीधे सीधे कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये मेरी डिग्निटी को हार्म कर रहा है, ऐसा है, हम इस पे केस फाइल करना चाहते हैं। और आप उसमें क्या है, अपनी डिग्निटी को बचाते हुए आप केस फाइल कर सकते हैं किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। दूसरी चीज़, एश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी मतलब एकता बनाने के लिए, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, यानी कि लोगों को जोड़ के रखने के लिए। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में सारे प्रोविजंस ऐसे दिए हैं जो लोगों को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। क्या है हमारे प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस? ठीक, हमारा प्रियम्बल जो कंटेंट, हमारे प्रियम्बल के अंदर क्या दिया हुआ है? बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल वैल्यूज। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे के सारे हमारे प्रियम्बल में दे दी, जैसे जो पॉलिटिकल है, मॉरल मॉरल है, एक्सेट्रा, जैसे कि आपकी इक्वलिटी हो गया, ऊपर सारे हम पढ़ते हैं, फ्रेटर्निटी हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये हम इस पेज पे वापस आते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं उसमें? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ठीक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। क्यों क्यों है ये आत्मा? क्यों? क्योंकि सारे के सारे जितने भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उसकी उसका पूरा का पूरा सार जो है वो एक तरह से प्रियम्बल में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक, इसी वजह से क्या कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है? प्रियम्बल होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रियम्बल एज ए पार्ट। अब एक इतना सब कुछ देखते देखते, शुरू में जब प्रियम्बल आया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि प्रियम्बल जो है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसमें दो केस थे, एक 1960 में बैरोबरी यूनियन केस आया था, उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है पार्ट? क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोविजंस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दिए हैं, उसके जनरल पर्पज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, सिर्फ इतना कह के उन्होंने बात खत्म करी और कहा कि ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जब पार्ट नहीं है तो अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता, तो इसके बाद में अमेंडमेंट नहीं हुए। फिर 1973 में एक केस था, केशवानंद भारती केस, 1973 में। इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी और एक रूलिंग दे दी निकाल के। उसमें कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल दिया गया है, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट? के जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट और इनेक्ट किया था, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही प्रियम्बल भी अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रियम्बल के साथ, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ। इसी वजह से क्या है, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसी से रिलेटेड आगे, अगला टॉपिक है हमारा अमेंडेबिलिटी ऑफ दी प्रियम्बल। जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम क्या है, उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो केशवानंद भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली कि क्योंकि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसीलिए हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। बस एक कंडीशन लगा दी उसके साथ कि प्रियम्बल जो अमेंड किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है। तो जो आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट किया जाएगा प्रियम्बल, उसमें क्या होगा कि बेसिक फीचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, बेसिक फीचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम अदर पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के में चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रियम्बल में भी चेंज कर सकते हैं, बस बेसिक फीचर चेंज नहीं होना चाहिए। उसको हमने कहा है बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सिंस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, बट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट चेंज एज द अदर पार्ट, इट कैन ऑल्सो बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन। मतलब बेसिक फीचर चेंज होना चाहिए भले ही आप अमेंडमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका कि इसमें जो है अमेंडमेंट, हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट सिर्फ एक बार किया गया। ध्यान रखना, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है। वो अमेंडमेंट कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, सिर्फ एक बार ऐड किया गया। उसमें तीन वर्ड जुड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है ना, चलिए ये चैप्टर हमारे यहीं ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। मैं आगे, अगला हमारा चैप्टर होगा इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलिए।